Today, we will start exercise 5E of chapter Quadratic Equations from Aschance for class 10th for ICS. This exercise is based on statement sums. किस पे बेस्ड है? स्टेटमेंट सम्स पे. तो इसमें सबसे पहला सम बच्चे दैट इज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम. ऑन नंबर्स देखो क्या लिखा है. ऑन नंबर्स फर्स्ट नाइन सम्स नंबर पे बेस्ड है. वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, कंजेक्टिव. देखो चलो समृद्धि, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इवन इंटीजर इज 100. फाइंड द इंटीजर. समृद्धि, यस सर, यस सर. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज 100. फाइंड द इंटीजर्स. ओके सर. बताइए बच्चे जल्दी से. सर पहले तो जो नंबर्स होगा लेट द नंबर बी एस. सो सर स्क्वायर वन नंबर भी बच्चे हैं क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना. यस सर. लेट वन कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स. देन सेकंड सेकंड इंटीजर क्या? यस सर समझ बोलिए बेटा. सर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100. बच्चे मैंने कंडीशन नहीं पूछी आपसे. आंखों में पानी मार लिया समृद्धि? यस सर. एक नंबर सिक्स है, उससे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? इवन नंबर एट. टू ऐड करके आ रहा है ना. एक यस नंबर सर. एक्स है एक्स तो प्लस दूसरा टू. क्या होगा? एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू. सर. वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं पढ़ा था सर, सिर्फ देखा था कि बस ऐसे करना है. कंजेक्टिव होता है लगातार, पर उन्होंने इवन बोल दिया साथ में. कंजेक्टिव इवन एक्स इंटीजर. प्लस टू. यस सर. अब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इन एक्स सम स्क्वायर पर ऑफ हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स प्लस टू होल होल स्क्वायर स्क्वायर इज इज इक्वल टू इक्वल 100. हंड्रेड. एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड. दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू ए बी. टू इंटू एक्स इंटू टू फोर एक्स. अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर. प्लस फोर प्लस फोर एक्स. अच्छा 100 को96. भी हाँ ठीक है. माइनस का 96. माइनस 96. अब एक चीज, जितना इसको हम सिंप्लीफाई कर लें उतना हमारे लिए बेटर है. तीनों में से टू कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया. एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स टू एक्स माइनस माइनस 48. फोर्टी. क्योंकि वैल्यू जितनी ज्यादा स्मॉलर होंगी उतना हमारा हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना इजी होगा. अंडरस्टूड? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर्टी माइनस एट फोर्टी इज इक्वल टू जीरो इक्वल्स पॉइंट टू जीरो. टू जीरो. जीरो अब 48 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो टू आए. माइनस सिक्स. वेरी गुड. फर्स्ट टू में लास्ट टू में एक्स फर्स्ट टू में क्या? एक्स हाँ कॉमन एक्स प्लस एट माइनस माइनस सिक्स सिक्स. कॉमन एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टू जीरो. एक्स प्लस एट एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो. दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल यस कर दो. एक एक्स की वैल्यू माइनस एट आ गई, एक एक्स माइनस की सिक्स वैल्यू सिक्स सिक्स. आ गई. दीज आर द आंसर्स. अब तो मैंने फर्स्ट सम में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखा दी. ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आती अभी तक? आती है बेटा सबको? यस सर. सिर्फ एक जने को आती है? आती है सर. आती है. आती है सर.
बहुत तंग करते हैं ना जिंदल सर, सुबह सुबह 5:30 बजे उठा लेते हैं। नहीं सर, तुम्हारी हैबिट चेंज कर रहा हूँ। सर समर ब्रेक में भी ऐसा उठाएंगे? समर वीकेंड में थोड़ा सा लेट उठाएंगे, ठीक है, ओके 5 जून के बाद पर, अंडरस्टूड? बट तो ओके सर 5 जून तक तो मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है इवनिंग का। रात 11:30 बजे घर आया हूँ। ओ चलो सर, अब तो गड़बड़ा आदत सी हो गई है सर 5:30 को उठना। पता नहीं, हो जाएगी। हाँ जी, सेकंड साम, यशिका, यशिका सिंह, यस सर। फाइंड टू रैशनल नंबर्स, फाइंड टू रैशनल नंबर्स विच डिफर बाय 3 एंड सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 170। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। जून में क्लासेस लगेंगी हाँ जी, सर, मतलब कब से? बस जब ये पता क्या है बेटा, इलेक्शन हमारे यहाँ पे 1 जून को है, ठीक है, 19 को वैलरी रिहर्सल है, 19 को भी क्लास नहीं लगेगी इवनिंग में। इवनिंग में तो मतलब मैं श्योर हूं ही नहीं कि शायद ही लगे कोई क्लास फिर 5 जून तक। और जैसे इलेक्शन है, जिस दिन 1 को इलेक्शन है, 31 को भी नहीं लगेगी। इवन ये भी हो सकता है 30th को भी ना लगे, पर मॉर्निंग क्लास 1 जून को तो पॉसिबल नहीं है। 1st की तो हो ही नहीं सकती, 30th की भी नहीं हो सकती मॉर्निंग क्लास, 2 दिन छुट्टी रहेगी और उसके बाद 4 को छुट्टी रहेगी। ओके सर। उसके हाँ, उसके बाद बच्चे कंटिन्यूअसली क्लासेस। थोड़ा चेंज करूंगा टाइम, मतलब जैसे 7 या 8 का कर दूंगा मॉर्निंग, और इवनिंग का तो वही चलेगा फिर, ठीक है। सेकंड, फाइंड टू रैशनल नंबर विच डिफर बाय 3 एंड द सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 117। यस यशिका, कैसे करें? सर यशिका फर्स्ट नंबर को एक्स ले लेंगे हाँ, फिर और दूसरे को x+3। इसके लिए ना पता क्या किया करो, एक रफ वर्क में काम करना है आपने। जब भी डिफर, डिफर का मतलब डिफरेंस आ जाए, लार्ज माइनस स्मॉलर, लार्जर माइनस स्मॉलर, डिफरेंस कितना गिवन है हमें? 3 गिवन है। जी दोनों में से किसी एक को लेट करने, चाहे लार्जर को लेट कर लो चाहे स्मॉलर को लेट कर लो। यशिका आपने कौन सा लेट किया था? सर, लार्जर को। आपने स्मॉलर को लेट किया था बेटा। लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स, ये एक्स उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, देन लार्जर नंबर बी 3+x या x+3 जैसे मर्जी लिखो। समझ आया बच्चे? अगर यस सर। हमने लार्जर को एक्स ले लेता तो स्मॉलर क्या आना था? x-3 आना था बेटा। आपने x+3 बोला था ना दूसरा नंबर। यस अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 170। इतनी हेल्प मैं कर देता हूं तेरी, 117 लिख दिया राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड में बताओ क्या आएगा। x² + x+3 का होल स्क्वायर। 3+x का होल स्क्वायर, इसको आगे अपने आप सॉल्व करोगे, हो जाएगा बच्चे आगे। थर्ड, यस सर। माशा, यस सर। व्हाट नंबर इंक्रीज बाय इट्स रेसिप्रोकल इक्वल 65/8? व्हाट नंबर इंक्रीज बाय इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 65/8? x+1/x=65/8। हाँ जी, करवाने की जरूरत है मुझे ये? बोलिए बच्चे, नो सर। एनीवन एल्स? नेक्स्ट नो सर। सम, सर माशा,
sum of the numerator and denominator of a certain fraction is 8. Sum of numerator and denominator is 8. If 2 is added to the numerator and to the denominator, the value of the fraction is increased by 4 by 35. Find the fraction. Let numerator be x and denominator be y. नहीं बच्चे, हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया, दोनों का सम न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 8, मैंने रफ वर्क में लिख लिया। हमें x एंड y नहीं लेना, हमें सिर्फ एक वेरिएबल लेके ही करना। न्यूमिरेटर को x ले लिया, देन व्हाट इज द डिनोमिनेटर? 8 माइनस एक्स। समझ गई फ्रैक्शन ये होगी। yes. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है उन्होंने, इफ टू इज एडेड टू द न्यूमिरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 4 बाय 35। ऊपर भी मैं टू ऐड कर दूं और नीचे भी टू ऐड कर दूं, ऊपर भी टू ऐड किया नीचे भी टू ऐड किया, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन क्या थी, ये थी, यही थी ना फ्रैक्शन, इज इंक्रीज बाय 4 बाय 35। ये चीज बच्चे यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ऊपर भी टू नीचे भी टू और इज इक्वल टू 4 बाय 35 लिख देते हैं, इंक्रीज बाय लिखा है, समझे? यस सर। 10 माइनस एक्स, यहां पे बच्चे इस टर्म को इस साइड ले आओ, ज्यादा इजी रहेगा, इज इक्वल टू 4 बाय 35। दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स इज देयर, 8 माइनस एक्स को एक्स प्लस 2 से, तो इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा दो स्टेप इंक्रीज जरूर होंगे बट स्टेप बाय स्टेप करना है, ये है एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर एक्स को दोनों से किया, 8x माइनस x² प्लस 16 माइनस 2x, -10x + x² -, नीचे भी बच्चे एक्स 10 को दोनों से करेंगे, 80 माइनस 10x - 8x + x² 4 बाय 35, या एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गई, 8 माइनस 12 माइनस 4x + 16, नीचे बेटा एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, -18x + 80 = 4 बाय 35। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाके मिडल टर्म स्प्लिट करना है, हो जाएगा, कर लोगे बेटा इसके बाद? यस सर। जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो यहां पे फिल कर दी, क्योंकि उन्होंने फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बोला है, एक्स नहीं फाइंड करने के लिए बोला, अंडरस्टूड? समझे बच्चे? नाउ यस सर, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 ही था, 5, फिफ्थ सम, लव, लव सॉरी जी, यस सर, फिफ्थ सम, देयर आर 3 कंजेक्टिव इंटीजर्स, देयर आर 3 कंजेक्टिव इंटीजर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू गिव्स 154। देयर आर 3 कंजेक्टिव इंटीजर्स such that square of the first increased by the product of other two gives 154. Let one consecutive integer be x. Then second kya hoga? Sir, x plus 1. Third kya hoga? x plus 3.
क्यों? टू फाइव सिक्स सेवन, फाइव में वन ऐड करेंगे सिक्स आएगा, फाइव में टू ऐड करेंगे तो सेवन आएगा ना, यस सर। तो वैसे ही। अब इसमें क्या लिखा है उन्होंने? सच दैट ट्वेल्व स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज बाय द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज बाय द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू गिव्स 154। तेरी इतनी हेल्प कर देता हूं मैं, राइट साइड का आंसर मैंने लिख दिया, देखो 50% काम मैंने कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बता क्या आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वेरी गुड। एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस सॉरी इंक्रीज, मल्टी हाँ इंक्रीज बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, समझे? एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मैं एक्स सिंपल स्क्वायर शॉर्टकट प्लस मार रहा हूँ, 2x प्लस x आएगा ना, वो 3x लिख दिया सीधा मैंने। 154 को भी इस साइड ले आए, माइनस का हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 152। अब ये कॉमन तो कुछ है नहीं, 304 के फैक्टर्स जिनको माइनस करे तो 3 आए, बिगर वैल्यूज हैं, तो इस टाइप से। सिक्सटीन एंड नाइनटीन, यहां प्लस है तो 19 बिगर होगा, प्लस का होगा और स्मॉलर माइनस। अंडरस्टूड? फर्स्ट टू में लास्ट टू में यू कैन सॉल्व इट। आ जाएंगी बेटा एक्स की वैल्यूज। हाँ जी। नाउ अरोश, सम ऑफ टू नंबर इज यस एट। सर। क्या लिखा उन्होंने? सम ऑफ टू नंबर इज एट एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज आल्सो एट। फाइंड द नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स इज एट, दो नंबर्स का सम एट है, एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज आल्सो एट। फाइंड द नंबर। सम ऑफ टू नंबर एट है, फर्स्ट एक इक्वेशन। वन नंबर को मैं एक्स ले लूंगा, लेट करूंगा, तो सेकंड नंबर क्या होगा? सो वाई वाई तो लेना नहीं, एक्स प्लस वन है। दोनों का सम कितना गिवन है बेटा? एट एट। सो एक्स माइनस एट। एट माइनस एक्स, छह, एट बड़ा हुआ ना हाँ सर। दोनों का सम। अगर नहीं समझ आता ना ऐसे, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर लिया करो, एट के इक्वल गिवन है हमें। मैंने फर्स्ट नंबर को एक्स ले लिया, उस साइड जाके माइनस होगा, तो एट माइनस एक्स होगा ना। अब उन्होंने क्या लिखा है यस रोश? सर। 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज आल्सो एट। राइट साइड लिख दी मैंने, लेफ्ट साइड में क्या है? 15 टाइम्स, 15 1 बाय एक्स 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय, 1 बाय 8 माइनस एक्स। अब मुझे ये बताओ ये सम आगे करोगे बच्चे कि मैं करवाऊं? यस सर। हो जाएगा ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। जो सेवन सम है वो हमें अनिका करवाएंगे। यस सर। अनिका, यस सर। सेवन सम, अ टू डिजिट नंबर थोड़ा डिफरेंट है। ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। प्रोडक्ट हमें 12 गिवन है। व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर,
The digit interchange their places. Find the number. A two-digit number is such that product of its digits is 12. Digits ka product kitna given hai hame? 12. Yeah. When 36 is added to this number, the digit interchange their place. Find the number. Haan ji. Let, dekho, jab bhi two digit ki baat hogi, two digit number ki. Ek unit digit aur ek tens digit. Unit digit ko maine kya let kar liya? X. Then, what is the value of tens unit, digit? Sir, 12 by X. Dono ka product kitna diya hai, dekho? Unit digit into tens digit ka product 12 given hai hame. यूनिट को एक्स ले लिया, एक्स उस साइड जाके कहां जाएगा? नीचे, 12 बाय एक्स. टू डिजिट नंबर है निका सर, वन डिजिट प्लस 10 इनटू 10 डिजिट. 10 इनटू 10, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये याद रख कर लो, लिख लो अपनी बुक पे. 10 इनटू 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू डिजिट नंबर. 10, tens digit क्या है हमारे पास? 12 by x plus unit digit क्या है? x. यहाँ x LCM आ गया, 120 plus x square, क्योंकि ये तो एक ही लाइन के नीचे है ना, x इसके नीचे 1 था, 1 को ऊपर किया तो वही आ जाएगा 12 into 10, 120. 1 को किससे करें? x आ जाए x, x into x, x square. ये हमारा 2 digit number आ गया. On interchanging digits, number becomes 10 into x plus 12 upon x. Yes. Iske niche 1. Interchange ka matlab kya hota hai? Reverse ya interchange? Tens ke place pe unit aa jayega, unit ke place pe 10 aa jayega. Koi kya x side le gaye, 12 by x side. 10x plus x square plus 12. Theek hai bachche? टेन एक्स डाल देते हैं, क्यों गुस्सा क्यों होती है? हैं? नहीं, कितने भी उठती है अनिका सुबह? 5:30 उठ रही हो तो 6 o'clock स्कूल चाहिए थी, बिना नहाए तो इंद्र ही. नहीं नहीं सर, अभी जाऊंगी. When 36 is added to this number, digits interchange. When 36 is added to this number का मतलब original number. Original number कौन सा है हमारे पास? ये रहा. कहते इसमें अगर हम 36 add कर दें, 120 plus x square upon x. इसमें क्या add करना है हमें? 36. The digit interchange their place. मतलब जो number आता है interchange करके जो number है उसके equal होगा. अब इसके नीचे 1 है, x एलसीएम ले लो, 120 plus x square plus 36x. इस साइड 10x square plus 12 upon x. ये x से x कट गया. 10x square minus x square? 9x square. 36x उस साइड जाके माइनस होगा. 12 minus 120 minus 108. 108. तीनों में से 9 कॉमन है. देखो मैंने पहले सम ही बोला था, जितना हम इसको सिंपलीफाई करेंगे दैट्स बेटर. 9 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अनी का? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज 0. x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, 0 अपॉन 9, 0. 12 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 4 आए. 6 एंड 6 and 2. देख लिया निका, तेरे को आया नहीं? सर करना पड़ता है रफ में. फर्स्ट टू में लास्ट टू में. x माइनस 6 प्लस 2 x माइनस 6. x माइनस 6 एंड x प्लस 2 दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे.
एक एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक एक्स की वैल्यू -2 आ जाएगी। डिजिट कांट बी नेगेटिव, डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। 6 जो वैल्यू है इस ओरिजिनल नंबर में फिल करेंगे एक्स के प्लेस पे एंड गेट द आंसर। समझ गए बच्चे ऑल ऑफ यू? सर ये यस सर। टेंस और यूनिट्स का फॉर्मूला कौन से ग्रेड में पढ़ाया था सर हमको? हाँ ये आपने यूनिट टेंस 100,000 10,000 कुछ याद आया? लेक नेक्स्ट एंड लेक, सर ये चीज है एलकेजी नर्सरी में पढ़ाया था शायद। ये था ना। जैसे टू हाँ डिजिट सर नंबर है, मान लो 23 है, तो उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे हम, 2 × 10 + 3 × 1, याद है कि नहीं याद? यही चीज है, 2 10s digit को 2 10 से यूनिट डिजिट को 1 से। यहां मैंने क्यों नहीं लिखा × 1, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम नंबर आ जाता है। ओके सर सर समझ गए? चलो नेक्स्ट सम, अनिका के बाद अल्फिशा। यस सर। 5 टाइम अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 3 less than 2 द स्क्वायर ऑफ द नंबर। फाइंड द नंबर, नंबर को एक्सलेट कर लिया। एट सम लेट नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा अल्फीशा? मैं नहीं बताऊंगा। सर 5x इज इक्वल टू रीड कर ले और उसको एक्स बता ले। एक्स स्क्वायर -3। 5 टाइम अ सर्टेन नंबर 5x इज इक्वल टू 3 less -3 किससे? ट्वाइस द एक्स स्क्वायर ऑफ, यस सर। 2x। ठीक है, थोड़ा यस सर। सा गलत था, ये 2 भूल गई थी। समझे बच्चे? यस इसको उस साइड सर। ले जाओ, -5x -3। ये स्क्रीनशॉट कौन लेता होता है? अल्फिशा स्क्रीनशॉट शॉट भी लेती है साथ साथ? नहीं नहीं सर, मैं नहीं लेती। नहीं। इसके बाद 6 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 5 y 6 and 1। वन नाइन्थ सम आराध्या। आराध्या तिवारी जी सो रहे हैं ये आज। राधे सो रही है? नहीं सर, नहीं सो रही है, पक्का सो रही है। अच्छा नहीं सर, टेबल चेयर पे। 3 consecutive नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 by 16। अज्यूम द मिडल नंबर भी एक्स, उन्होंने खुद दे दिया मिडल नंबर एक्स दे दिया। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई अबव स्टेटमेंट हेंस फाइंड द 3 नंबर्स। लेट मिडल नंबर बी एक्स, ये लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि उन्होंने खुद दिया हुआ है, नहीं तो हम फर्स्ट नंबर को एक्स लेते पर अब मिडल को लिया एक्स। देन फर्स्ट नंबर क्या होगा? कंजेक्टिव है बच्चे। आराध्या तो एक्स प्लस वन चाटा खाने सर, एक्स -1 मैं साथ में आऊंगा तेरे। आराध्या बोलो बच्चे, 3 नंबर हैं, 5 6 7, मिडल नंबर 6 है, तो पहला नंबर +1 करके आएगा कि -1 करके आएगा? माइनस और थर्ड नंबर? हाँ एक्स प्लस वन सर, समझ गए बच्चे। अल्फिशा ओहो कौन याद कर रहा है तेरे को? अल्फिशा कौन यस सर। याद कर रहा है तेरे को?
सर्दी बहुत तेज हो गई है। हाँ सर्दी हो गई है कहाँ पे? कहाँ? सर, सर आइसक्रीम खा ली थी ना कल। अच्छा, तेरे को सर्दी हो गई है। मैं सर्दी कैसे हो गई गर्मी में? चल कोई बात नहीं, खाओ खाओ आइसक्रीम, गला खराब करो अपना। इधर बैंगलोर में हर दिन बारिश आ रहा है सर। यहाँ भेज दे पंजाब में। ऑप्शन नहीं है सर। क्यों ऑप्शन क्यों नहीं है? सर वो मेरे कंट्रोल में थोड़ी है सर। तेरे कंट्रोल में नहीं है? अच्छा हाँ सर, चलो। हाँ जी बेटा, मिडिल टर्म एक्स ले ली, फर्स्ट नंबर एक्स माइनस वन होगा, थर्ड नंबर एक्स प्लस वन होगा। अब क्या लिखा है इन्होंने? थ्री कंजेक्टिव नंबर आर सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर। हाँ जी आराध्या, मिडिल नंबर का स्क्वायर एक्स क्या है? स्क्वायर हाँ इज इक्वल्स टू एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर द ऑफ अदर नंबर बाय 60। एक्स डिफरेंस माइनस ऑफ? वन माइनस एक्स प्लस वन। नहीं बेटा, जब भी डिफरेंस की बात होगी ना तो बिगर नंबर हमेशा पहले आएगा। ठीक है, यस सर। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू ना, तो लार्जर में से स्मॉलर, मिडल ये हो गया। एक्सीड, ये स्क्वायर क्या था? एक्सीड कर रहा था मतलब प्लस कितना, 60, ये कंडीशन है। ये चीज समझ आई कैसे लिखा मैंने? देखो मैं फिर से रीड करता यस हूँ। सर। ये तीनों तो पता चल गए ऑल ऑफ यू, मिडल टर्म फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर एक्सीड्स, एक्सीड मतलब ग्रेटर किससे? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, इसका स्क्वायर माइनस। ये चीज ध्यान में रखना कि जब भी डिफरेंस आता है तो हमेशा ऑलवेज लार्जर माइनस स्मॉलर करना है। अंडरस्टूड? समझ गए यस बच्चे? सर। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, मैं यहाँ पे शॉर्टकट ही मार रहा हूँ, या तो आप ब्रैकेट डाल के करना, मैंने माइनस बाहर था तो इसलिए चेंज कर दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, वन से वन कट गया, इस साइड आके माइनस हो गया, 60 भी साइड आके माइनस हो गया। तो आराध्या, 60 के फैक्टर्स बनाइए जिनको हम माइनस करें तो 4 आए। नहीं, सर 10 और 6। आराध्या कौन से बादाम खाने लग गई तू, जो 8th में नहीं खाती थी अब खाने लग गई? बादाम हैं? सर, सर उस टाइम पे तो नहीं खाती थी, अभी भी नहीं खाती सर। किसने तेरे को सलाह दे दी कि हाँ पढ़ना चाहिए, जरूरी है पढ़ना? अच्छा, तो उसके बाद से मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया था। ठीक है। ये अलग से बच्चे, ये अलग से, एक एक्स की वैल्यू 10 आ गई, एक एक्स की वैल्यू। और हमारा बंदर क्या कर रहा है आजकल? -6 है अच्छा, तो वो तो उनका पढ़ाई सर अभी 11th में सेकंड पोजीशन थी क्लास में, और जैसे फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं सर फिर जी से, ओके okay. सो नहीं, उसमें भी मैं हंड्रेड नॉन मेडिकल लिया हंड्रेड है उसने, परसेंट स्कॉलरशिप मिली थी नॉन मेडिकल लिया था क्या उसने, सर? नॉन मेडिकल लिया है। हाँ यस सर। सर उनका नॉन अटेंडिंग और सर 100% स्कॉलरशिप था फिर जी में। वेरी गुड। हाँ जी, चलो आज इतने एनफ है बच्चे, 9 सम्स करोगे? यस सर। यस सर। यस सर, यहाँ तक करोगे? यहाँ तक एनफ है सब। किसी की समर वेकेशन हुई कि नहीं हुई अभी? नो मेरी सर, कौन? मेरी अभी दो सर, कौन? सर मेरी मेरी कल से। कौन? कल से आपकी, और किसकी होगी? यशिका की हो गई। यार सर कल से मेरे मेरी पास नहीं हो समर जाएगी। वेकेशन से नहीं है सर। तूने पाप बहुत ज्यादा किए थे लास्ट जन्म में। सर ऐसे स्कूल वाले हैं सर, संडेस को भी क्लास लेते हैं सर, सुनने नहीं देते सर। हाँ, वेरी गुड। उनको पता है कि हम नहीं करवाएंगे तो आहिल फेल हो जाएगा। आहिल को यार नहीं छोड़ना सर, नहीं है, आहिल को छोड़ना नहीं है, खाली दिमाग पे शैतान का घर होता है।
ना? सर, और अगर ली एब्सेंट हो गया तो मैसेज करते हैं सर, ईमेल करते हैं, योर सन हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। अच्छा, ओके, वेरी गुड, सर मेरे स्कूल में भी यही है। वेरी गुड, सही बात है। फिर चलो कल मिलते हैं, फिर मॉर्निंग इवनिंग में, आज देखता हूँ मैं, ठीक है? बट मेरे को नहीं लगता कि शायद ही लग पाए, अगर हुआ तो मैं मैसेज करूंगा ही। मैं उस टाइम मतलब जरूर देख लिया करो, 5 मिनट के उसमें। ओके थैंक यू चलो, सर, ओके बेटा, बाय। बाय।